हमारे आसपास भारी मात्रा में पाए जाने वाला यह आकाकुआ का पौधा आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना जाता है, जिसे लोग मदार के नाम से भी जानते हैं। दमोह जिले के ग्रामीण इलाकों में इसे अकौवा के नाम से जाना जाता है, जिसके सफेद फूल हल्के बैंगनी रंग के होते हैं, जिसका उपयोग शिरवा अंदर्द में होता है। इसके दूध को सिर पर लगाने से माइग्रेन में फायदा मिलता है। कौवा के पत्ते का रस कान में डालने से कान से संबंधित रोग जैसे कान में मवाद आना, साएं साएं की आवाज आना दूर हो जाती है। चेहरे पर मौजूद काले धब्बे और झुर्रियों को दूर करने के लिए इसके लेप का उपयोग किया जा सकता है। कौवा का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसे मदार भी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नाम है कैलोट्रॉपिस, और ये काफ़ी बीमारियों में इसको उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसको कुछ में भी रखा गया है, क्योंकि ये थोड़ा विषैला भी होता है, इसका जो दूध निकलता है इसको पक्षी के बोलने पर दूध लगा दूध अगर आपको मैं ताजे भाव में अगर लगता है काफ़ी नुकसान। इसके अलावा जो पौधा का पौधा होता है ये घाव को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कभी दांत वगैरह कम जाती है, दुष्ट दर्द होती है, उसके सरसों का तेल इसके लेप लगा के थोड़ा गर्म करके उसको लगा के पकवा रस का बनाया जाता है। तो उसके बाद ये सीजन लगा के उसकी पश को निकालने के बाद इसे अपन निकल कर सकते हैं। ग्रहों को या वो निकलिंग में भी इसका काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है, स्किन डिसऑर्डर में इसका उपयोग किया जाता है, बाबा सीड में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, और ये पौधा जो है बिना पानी के भी हो जाता है, काफ़ी जगह पे हो जाता है, और आध्यात्म से भी इस पौधे को जोड़ा गया है। इस प्रकार ये औषधीय पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण है।